अरे बच्चों, भगवत पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल में आपको काफी वीडियो भेज चुका हूँ। आज हम आपको एस समान अंतराल के निम्न का सूत्र बताऊंगा। तो एस समान अंतराल के निम्न का सूत्र क्या होता है? एस समान अंतराल के लिए न्यूटन का सूत्र, समानता के लिए प्रतिलोम है, ऐसे समानता की क्लास पढ़ेंगे। तो चर एक्स के विभिन्न मानो, चर एक्स के विभिन्न मानो एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन, ये सभी शब्दों की जरूरत नहीं है, संदर्भ जरूरी नहीं। के लिए फलन एड्रेस के मान संलग्न, के लिए फलन एक्स के का संलग्न मान एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स एन है। यहाँ पे एक्स टू में तो प्रथम अधिकतम प्रथम विभाजित अंतर, ये प्रथम अधिकतम अंतर है। एक्स एक्स जीरो के लिए पहले एक्स एक्स जीरो के लिए, एक्स एक्स जीरो के लिए यहां पे एक्स एक्स जीरो आएगा, यहां पे आएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो, वहां पे एक्स एक्स जीरो जाएगा। एक्स एक्स का मान क्या होगा? इसका तो इसको लेते हैं, इसको सूत्र सिखाइए। तो इसको इस तरह लेते हैं, एफ एक्स माइनस ए एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स एक्स जीरो, एफ एक्स का मान इसको बदलेंगे एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स एक्स जीरो, सबके नंबर एक डाल देंगे। द्वितीय वाले नंबर देखिए, द्वितीय वाले नंबर इसी प्रकार, इसी प्रकार एफ एक्स एक्स एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन, इसका मान क्या होगा? एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एफ एक्स एक्स जीरो
इसको अच्छी तरह से माइन प्लस एक्स माइनस एक्स टू एक्स जीरो एक्स एक्स जीरो एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू इसको हम सब करने पर दो डाल देंगे तो वाली को इसमें हमने एफ एक्स एक्स जीरो का मान निकाला हमने इसका मान निकाला जीरो से हो जाएगा एफ एक्स एक्स जीरो का मान निकालेंगे तो एफ एक्स जीरो एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन इसी प्रकार एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन तक निकालते हैं एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन बराबर इसका कोई एक्स जीरो साल हो रहा है यहाँ पे एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू तक हो जाएगा एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन आ जाएगा इसमें एक्स एन आ जाएगा एफ एक्स एक्स जीरो एक्स वन एक्स एन आ जाएगा इसमें नंबर चार इसके बाद संकट दो को दो को दो एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन इससे गुणा करके हम एक्स एन माइनस गुणा करके करके जोड़ने का इसको एक जोड़ने एक में जोड़ने तो यह आएगा x माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन तक जाएगा एफ एक्स जीरो प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स एक्स जीरो एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू प्लस टू डॉट प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एन माइनस वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन प्लस आर एन जहां पे आर एन हमारे पास यहाँ आर एन बराबर एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस
इसका मान हो जाएगा सबके तापमान का ऑप्शन है तो आपके पास आ जाएगा तो x0 x1 x10 - 1 x10 बराबर 0 हो जाएगा तो हमारे पास सब कुछ लगा डायरेक्टली fx बराबर fx0 + x - x0 यहां से x - x0 x - x1 x2 + x - x0 x - x1 x - xn यहां तक है माइनस वन x0 x1 x2 xn ये तो कर रहेगा आपके पास। इसके बाद में इस सूत्र को हम ऐसे ले सकते हैं इन दो का प्रत्यय जो होता है नोटन का विभाजन अंतर सूत्र है विभाजन अंतर सूत्र इसको हम ऐसे ले सकते हैं fx = fx0 + x - x0 इसको डिवाइड करना इसे काट के बाहर निकाल fx0 या x1 प्लस x - x0 x - x1 डेज या डेज का कर देंगे fx0 जाएगा या फिर x1 x2 रहेगा प्लस x - x0 x - x1 x - x2 तीन अलग अलग fx0 x1 x2 x3 प्लस x - x0 x-x1, x-x2, x-x n-1 ये वाले अंतर की बात है fx0 x1 x2 xn ये सब जोड़ेगा ये न्यूटन का मैंने अंतर का सूत्र है बस चीजों के साथ में एक बार और बना सकते हैं x0 + nx = fx0 का मान fx0 का मान fx0 लिखते हैं
प्लस एक्स माइनस एक्स वाला मान लेना चाहे एन प्लस एन एक्स, यहाँ पे ये फैक्टोरियल फॉर्म एच के हाथ पर एफ एल डेल एक्स एन एक्स जीरो प्लस एन एक्स एन एक्स माइनस एक्स बटा फैक्टोरियल टू एच एक्स बार डेल एक्स बार एफ एक्स जीरो प्लस x minus x zero के बराबर लिखेंगे तो आपके पास n h n h minus x n h minus n minus x का प्रकरण इसमें तो आगे इधर नहीं है इसको और रूप को लिख सकते हैं ऊपर मैं इसको मान लेता हूं कि x बटा 2 है ऊपर आप ऐसे समस्या पसंद करेंगे जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल फर्स्ट निम्न सारणी से न्यूटन विभाजित अंतर द्वारा चार पाँच सात दस चार पाँच सात दस ग्यारह तेरह
4500 905 बस 2025 पैसे साथ करके हम वह तक पानी सॉल्यूशन विभाजित अंत सारणी एक्स एफ एक्स यूके डिफेंस एफ एक्स चार पांच सात दस ग्यारह तेरह पैतालीस सौ दो सौ चौरानवे नौ सौ बारह सौ दस दो हजार अट्ठाईस अब यहाँ पे आपने बाजी तत्व सारे बनानी है पहले तत्व सारे बनाते यहाँ पे ये बाजी तो करना है तो हम क्या करते हैं पहले ये बात करते हैं तो इसमें से बटाएंगे 100 माइनस 45 बटा यहाँ पे 100 किया था 5 के लिए 45 किया 4 के लिए 100 में से कितना हटाते 55 बटा 1 55 आ जाएगा इसमें से हटाएंगे 294 माइनस 100 बटा 7 माइनस 5 तो 200 में से हटाएंगे 100 में दबा देंगे 57 आ जाएगा नौ सौ दस रुपये बटाएगी बटा दस माइनस सात नौ सौ में दस रुपये बटाएंगे दस चार जीरो आठ मतलब छह में हम तीन का भाग दो सौ तो आएगा बारह दस में सुबह बटाएंगे ग्यारह दस का बटाएंगे बारह सौ 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 तीन सौ दस आएगा दो हजार अट्ठाईस में से बारह सौ दस अट्ठाईस तेरह माइनस ग्यारह दो हजार अट्ठाईस में से बारह दस अट्ठाईस आठ का आठ दो से ग्यारह एक अंक का आठ मतलब सोचे आठ अंक में दो बार चार से नौ आएगा इसके बाद निकालना इसमें से बटाएंगे माइनस पचपन बटा और सत्तावन किसके लिए आया सात के लिए पचपन चार के लिए सात माइनस चार सत्तावन में से पचपन बटाएंगे बयालीस आएगा बयालीस में तीन का आदमी चौदह आएगा कितना प्रश्नों में से सत्यान बटाएंगे तो दो द्वारा दस के लिए सत्यान हमारा पांच के लिए बारह साल लगे तो पांच आ जाएगा और एक सौ पांच बचेगा एक सौ पांच में हम पांच बारे में तीन किया जाएगा इसी प्रकार तीन सौ दस में से दो सौ को बटाएंगे तीन सौ दस आगा ग्यारह के लिए दो दो सौ दो आगा पांच के लिए सात के लिए तीन सौ दस में से दो सौ बटा दो बटाएंगे तीन सौ दस में से दो सौ बटाएंगे दस में कितना आठ जीरो एक एक सौ आठ में हम चार बार देंगे सत्ताईस आएगा के बाद हम
27 ये जो मान है 48 घंटे के मान है 48 घंटे 16 सर 48 घंटे सर तो आप समझ सकते हैं मान मान में मान है इससे इसमें फर्क पड़ेगा मान यहाँ का मान यहाँ पे मान सही मतलब 21-27 इसके बाद में हम 4 समूह से 3 समूह घटाएंगे 400 आ रहा है 310 आ रहा है 710 आएगा 10 के लिए 400 से 300 घटाएंगे 400 से 300 घटाएंगे तो 410 के लिए 100 घटाएंगे 9 बचेगा 9 कितना होगा 33 आएगा इसी प्रकार यहाँ पे आएंगे 21-15 21 आ रहा है 10 के लिए 15 आ रहा है 4 के लिए और 21-15 एक आ जाएगा 27-21/27 आ रहा हमारे लिए ग्यारह में से 21 आ रहा है 5 के लिए ये भी एक आ जाएगा इसके बाद 3370 आएंगे 33 आएगा 13 के लिए 27 आएगा 27 7 के लिए 6/6 आएगा 0 और नहीं आएगा तो फिर आपको इसको एक बार दिखाओ ऐसे नहीं मैं इसको सब बता देता हूँ Gracias.
चार में आठ, चार में तो बीस प्लस चार की भाग पंद्रह एक सौ अस्सी प्लस चार की भाग आठ आठ सोलह, सोलह और पंद्रह आठ सौ एक दो और आठ दस दस कर आपका चार सौ पचास सौ एक दो चार। इसी प्रकार आप एक पंद्रह पंद्रह कर सकते हो, एक्स के हिसाब से पंद्रह देगी, एक्स जीरो का मान चार ही है और इस तरह करना जाएगी। आप आज के वीडियो में इतना ही, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।